हेलो फ्रेंड्स, रे फैशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फीड डॉग ड्रॉप करना बताऊंगी। ऑटोमेटिक सिलाई मशीन और नॉर्मल सिलाई मशीन में किस तरह से फीड डॉग ड्रॉप करते हैं वो बताऊंगी। तो पहले मैं आपको ऑटोमेटिक सिलाई मशीन में फीड डॉग ड्रॉप करके बताती हूँ कि किस तरह से फीड डॉग ड्रॉप करना आपको इसमें। इसके लिए हम सबसे पहले एक्सटेंशन टेबल को हटाएंगे। ये हुक रेस यूनिट बोलते हैं हम इसको। ये देखिए, इसी के अंदर ये लीवर है। इसको हम इस तरह से पकड़ के और नीचे दबाकर हम दाईं तरफ ले जाकर छोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये एक कट स्लॉट दे रखा है, इसके अंदर ये फिक्स हो गया। अब ये देखिए, टीथ अंदर चले गए। अब हम कोई भी, जैसे हम एम्ब्रॉयडरी वगैरह कुछ भी करेंगे तो कपड़ा चलेगा नहीं। नॉर्मली हम जैसे एम्ब्रॉयडरी करते हैं या बटन लगाते हैं, उस टाइम हमें फीड डॉग ड्रॉप करना होता है। और देखिए, अब मैं आपको चलाकर बताती हूँ। टीथ नीचे ही रहेंगे, ये देखिए टीथ ऊपर नहीं आए। अब मैं आपको इसको वापस नॉर्मल करना बताती हूँ कि आपको इसको किस तरह से वापस नॉर्मल करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने भी पूछा है कि फीड डॉग लीवर को किस तरह से हम नॉर्मल करें। ये देखिए, इसको आप दबाकर बाईं तरफ लेकर छोड़ देना है। हमने फीड डॉग को नॉर्मल कर दिया, लेकिन ये देखिए हमारे इसमें टीथ फिर भी नीचे ही है, तो हमें इसको वापस से ऊपर उठाना है। तो वो किस तरह से ऊपर उठाना मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इस मशीन में ये हैंड व्हील है, इसको किसी भी डायरेक्शन में घुमा के आप चेक कर सकते हो। ये देखिए, ये टीथ ऊपर आ गए हैं। एक और बार मैं आपको फिर इसको फीड डॉग ड्रॉप करना बताती हूँ। ये देखिए, इसको आपको दबाना है लीवर को और दाएं तरफ ले जाकर इसको छोड़ देना है। ये देखिए, ये टीथ नीचे चले गए। अब आपको उसी तरह से इस लीवर को वापस दबाना है। लीवर को दबाकर आपको बाईं तरफ लाकर छोड़ना है। ये देखिए इस तरह से। अब अभी भी देखिए, टीथ नीचे ही है। तो इसी तरह से हम हैंड व्हील को घुमाएंगे और टीथ ऊपर आ जाएंगे। टीथ ऊपर आ गए, ये देखिए। इस तरह से आप ऑटोमेटिक सिलाई मशीन में फीड डॉग ड्रॉप कर सकते हो और वापस उसको नॉर्मल कर सकते हो। अब मैं आपको सिंपल मशीन में कैसे फीड डॉग ड्रॉप करना वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं आपको इसी मशीन में बताऊंगी, तरीका सेम है, इसी तरह से आपको करना है। अब हम इसको बंद कर देते हैं। ये नीडल प्लेट है, इस नीडल प्लेट में ये देखिए स्क्रू लगे हुए है दो। इन दोनों स्क्रू को हम निकाल देंगे। नीडल हमारे मैक्सिमम ऊपर होनी चाहिए और आप फुट को भी हटा सकते हो, फुट हटाने से आपको और इजी हो जाएगा। स्क्रू को निकालने के लिए हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में आपको घुमाना है। नहीं तो अगर आप उन्हें उल्टा घुमा दिया तो ये और टाइट हो जाएंगे और आपसे इजीली नहीं निकल पाएंगे। ये देखिए, स्क्रू हमने खोल दिया। अब हम ये प्लेट हटाएंगे इसके। टीथ प्लेट के ऊपर जो दो स्क्रू लगे हुए, देखिए इसमें भी दो स्क्रू लगे हुए। अब हम इनको निकाल देते हैं। इनको भी आप इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर निकालना है। ज्यादातर स्क्रू नॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर ही खुलते हैं। ये देखिए, टीथ प्लेट बाहर आ गई है और आप इसको इसी तरह से साफ भी करना, लेकिन साफ करते समय ये दो स्क्रू खोलने की जरूरत नहीं। अब हम इसको पहले साफ कर लेते हैं। इस टीथ प्लेट को हमने साफ कर लिए। इसी तरह से आपको नॉर्मल सिलाई मशीन में टीथ बाहर निकालने। अब हम आपको नीडल प्लेट लगाकर बताते हैं। ये देखिए,
ये हमने निडल प्लेट लगा दी है। स्क्रू को लगाने के लिए घड़ी की दिशा में आपको घुमाना है इस तरह से। अब आप स्क्रू टाइट कर लें। आप ध्यान रखें, आप ये सब करते समय निडल को हटा लें ताकि आपके कहीं लगे नहीं। जिन मशीनों में फीड डॉग लीवर की सुविधा नहीं दी जाती है उन मशीनों में हम इस तरह से टीथ को बाहर निकाल कर उसको फीड डॉग ड्रॉप कर सकते हैं। अब मैं आपको चलाकर बताती हूँ। जैसे हमने नॉर्मल सिलाई मशीन के टीथ बाहर निकाल दिए तो अब इस तरह से ये फीड डॉग ड्रॉप हो गया है। अब मैं आपको कपड़ा रख कर बताती हूँ। कपड़ा नहीं चलेगा हमारा, ये देखिए कपड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर आपके पास ऑटोमेटिक मशीन नहीं है तो आप इस तरह से नॉर्मल मशीन में फीड डॉग ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन ऑटोमेटिक सिलाई मशीन में फीड डॉग करने की फैसिलिटी होती है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसको वापस से नॉर्मल करके बताती हूँ कि आपको इसको किस तरह से नॉर्मल करना। हम स्क्रू निकाल देंगे उसी तरह से जैसे हमने पहले आपको बताया। इसको ये देखिए निडल प्लेट हमने हटा दिए। अब हम इसमें टीथ प्लेट लगाएंगे नॉर्मल करने के लिए मशीन को वापस। अब हम इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम इसको टाइट कर लेंगे। आपको स्क्रू को पूरा प्रॉपर टाइट करना है, लूज नहीं रखना, नहीं तो ये धीरे धीरे खुल जाएगा। इसलिए आप अगर छोटे स्क्रू ड्राइवर से ये टाइट नहीं होता तो आप बड़ा स्क्रू ड्राइवर लेकर इसको अच्छे से टाइट करें। और आप ये सब करते समय ध्यान रखें कि निडल आप निकाल दें, क्योंकि हो सकता है आपके ये उंगली वगैरह में कहीं चुप जाए। मैंने नहीं निकाली क्योंकि मैंने पूरा इस पे ध्यान रख रखा था, इसलिए नहीं तो हो सकता है ये आपके चुप जाए। आप इसको पहले निकाल दें बाहर और फिर ये सब करें। अब हम फिर से ये वापस हम निडल प्लेट लगा देंगे। और सेम उसी तरह से आपको स्क्रू लगाने हैं जैसे हमने पहले आपको बताया है। इसी तरह से स्क्रू को टाइट करने के लिए आपको घड़ी की दिशा में घुमाना है। ये देखिए इस तरह से, जैसा कि मैं इसको घुमा रही हूँ इसी तरह से आपको भी घुमाना है। नॉर्मल सिलाई मशीन में आपको किस तरह से फीड डॉग ड्रॉप करना और उसको वापस आपको नॉर्मल करना वो मैंने आपको बता दिया इस मशीन में ही। ऑटोमेटिक सिलाई मशीन में हम किस तरह से फीड डॉग ड्रॉप करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन हमने इसमें ड्रॉप किया वो वापस नॉर्मल हुआ या नहीं। हमारा कपड़ा चलना चाहिए, मतलब हमारा कपड़ा बढ़ना चाहिए आगे। अगर नहीं बढ़ रहा मतलब हमारा फीड डॉग ड्रॉप नॉर्मल सही नहीं हुआ। मतलब हमारा फंक्शन नॉर्मल हो गया है। हमारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर हमने फीड डॉग ड्रॉप करने का वीडियो बनाया। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स।